Joined by Akali Dal MLA Manjinder Singh Sirsa. Sir, another controversy. We have seen, you have tweeted about Uttar Punjab 2 also, now under controversy. You are now raising objections over a scene in Sacred Games Part 2, which is a series on Netflix. What do you have to say on that? See, वो एक हमारा religious symbol है कड़ा, जो सिख है उसके पास पांच ककार है और पांच ककारों में से एक ककार है कड़ा. हमारे लिए ये हमारे शरीर का अंग है और सबसे पवित्र है. कोई ये कहे कि मेरे को भगवान से नाराज हूँ, मैं कड़ा उतार के अपनी सिक्की फेंक दूंगा, ऐसा कभी कोई मूर्ख भी इंसान नहीं करता. आप किसी की केवल और केवल धार्मिक भावनाएं अपने एक शॉट को क्रिएट करने के लिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए और फिर उसकी मार्केटिंग करने के लिए करें, ये आप कब तक ऐसे करेंगे? और खाली एक कड़ा ही नहीं, सिखिज्म ही नहीं, बल्कि जिस तरह की भाषा का और जो हिंदू रिलीजियस सेंटीमेंट्स भी हैं जिसके अंदर उनके धार्मिक गुरुओं का या चिन्ह का जिस तरह से जिन भावनाएं व्यक्त की गई, जिस तरह के बोला गया, मैं बड़ा हैरान हूं कि कोई आदमी किस भावना से ऐसी चीज को बनाएगा. ये प्योरली किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट्स को एक्सप्लॉयट करके, उनको उनके खिलाफ भड़काकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ये चलाने की एक साजिश मुझे दिख रही है. आई डोंट नॉट नो इसके पीछे एक्चुअल कारण क्या है, पर मैं ये बात जरूर समझता हूँ कि ये एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटजिक हिस्सा है जो इन्होंने ये जानबूझकर किया है. आपने एक्शंस की डिमांड की, आपने प्रकाश जावड़ेकर जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, उनसे आपने मांग की है कि कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एक्शंस लिया जाए. क्या डिमांड आपने स्पेसिफिकली की है सर? देखिए, इसको बंद किया जाए पहली बात. हम इसको, एक बात आप समझ लीजिए, हम इसको किसी सूरत में चलने नहीं देंगे. उनको इसके लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और इसकी वेटिंग करके वो सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी जो किसी भी रिलीजन के खिलाफ हों. आप डेमोक्रेसी में हैं, आप, यू हैव राइट टू स्पीक, यू हैव राइट टू एक्सप्रेस, बट डजंट मीन्स कि राइट आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते कि किसी धर्म के ऊपर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाए. आपने सुबह ट्वीट किया था इसके बारे में, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है, ना सरकार की तरफ से कोई बयान आया है और अब ना कि अनुराग कश्यप की तरफ से आया. अनुराग कश्यप से तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि वो कोई बयान देगा, माफ़ करना, मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन ये लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है लोगों के प्रति. इनका केवल और केवल काम पैसा बनाना है और पैसे बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो अब बड़े उदाहरण उड़ता पंजाब जैसे उदाहरण हैं, जब सिखों को पूरी दुनिया के अंदर पंजाबियों को बदनाम करने का काम किया गया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं. मैं उस पर जाना नहीं चाहता, मैं पर्टिकुलर इसी बात पर रहना चाहता हूँ. उनका मकसद ही ये है, वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी बने और लोग इसको देखें, लोग मजबूर हो जाएं नेटफ्लिक्स पर जाने के लिए. ये नेटफ्लिक्स द्वारा, अनुराग कश्यप द्वारा, एक बड़ी ही स्ट्रेटजिक मूव है नेटफ्लिक्स को कामयाब करने के. मानते हैं, अच्छा, कि मतलब इसमें आप मानते कहने के जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है इसके पीछे? वेस्टेड नहीं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है भाई. आप देखिए, आप सिखों की भावनाओं को भड़काएंगे, वो सड़कों पे उतर आएंगे, लोग मजबूर हो जाएंगे देखने को, ऐसा क्या हो गया? तो यही तो वो चाहते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हर बार ऐसा कर बच जाएंगे. आपको सबक सिखाएंगे, आपको पुलिस स्टेशन का रास्ता दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे 295 क्या होता है, आपको समझाएंगे. आप हर बार इस तरह से करके पब्लिसिटी फ्री की लेकर बच नहीं सकते. प्रश्न मैं आपसे लूंगा, अगर अनुराग कश्यप की तरफ से कोई बयान नहीं आता है या नेटफ्लिक्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है तो आगे आपकी क्या रणनीति? मैंने बताया, जेल तक छोड़ के आएंगे. इनफ इज इनफ, ये हाइट्स है, बर्दाश्त से परे है, बार बार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. देखिए, मैंने 5 अब तक देख चुका हूं. आप कोई कंप्लेंट भी फाइल करेंगे इनके खिलाफ? मैंने कहा मैं जेल तक छोड़ के आऊंगा, कंप्लेंट बिना किए मैंने अपने आप धक्के से थोड़ा छोड़ाऊंगा, कानूनी जेल तक छोड़ के आएगा उनको. पहले इसी तरह जैकनेल फर्नांडिस ने किया, उसने वापस किया. क्यों किया? क्योंकि एक पहले गेम बनानी थी, हाई बनानी थी, बन चुकी है. उसके बाद पिछले दिनों में एक मूवी आई शाहरुख खान की, उसमें ये सब कुछ सीन हुए अक्षय कुमार के. ये बार बार क्यों किया जाता है? ये पर्पस ढूंढ लिया गया है, एक पब्लिसिटी लेने का. एक देखिए, मैं आपको एक बताऊं, जब ये टैक्सी ऑपरेटर आए दिल्ली देश के अंदर, दुनिया के अंदर, और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लंदन में सारी टैक्सियों की स्ट्राइक करा दी, दुनिया में हाहाकार मच गई, तो लोगों को पता लग गया उबर आ गई. ये तरीका है इनका अपने आपको पब्लिसाइज करने का, लेकिन हम इनको पब्लिसाइज नहीं, इनको जेल पहुंचाने का काम ढूंढेंगे अब. So that's what coming in from Manjinder Singh Sirsa, where he is making it clear that if no actions are not taken, then he will not only file the case but also conclude the case by sending the culprits, the people behind the making of this movie, to jail. Back to you. Well, Piyush, there is another question that I would like to ask as far as this is being the second season of Sacred Games that had come out, and there were in the first season as well, but there were several scenes very similar to the second season that has now come out. Why exactly object to it now? Sir, now, you know, what is the pertinent question here is that why it is being done now? Do you think that there is some kind of motive, there is some kind of benefit behind this? Right, you said there is some monetary benefit.
फाइनेंशियल बेनिफिट है उनको, वो पब्लिसिटी फ्री में मिल रही है। अब आपके टीवी चैनल पे खबर चलेगी, पूरी दुनिया देखेगी, लोग देखेंगे, नेटफ्लिक्स को खोलकर नेटफ्लिक्स पॉपुलर होगा। ये एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है और उसके लिए सिखों के सिंबल को और हिंदू सिंबल्स को इस्तेमाल किया गया है, बड़ा क्लियर है ये। आप देखिए भावनाओं को भड़काकर उसका फायदा कैसे लिया जाए, ये तो अगर आपने सीखना है तो बॉलीवुड से सीखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है नेटफ्लिक्स को भी बॉलीवुड ही ये सिखा रहा है। Thank you. So that's what coming from Manjinder Singh Sirsa, that this is nothing but an attempt so that they can have financial benefit out of this Secret Games Part 2 series. Back to you.